अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। ग्लोबल मार्केट के दबाव में आज सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। चांदी का भाव एक बार फिर 68,000 से नीचे उतर आया है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोना और चांदी दोनों ही धातुओं में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। MCX पर आज सोना का वायदा भाव 198 रुपए गिरकर 51,373 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। ये भाव 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का है। इससे पहले सोना 51,342 के रेट पर खुला था। वहीं MCX पर चांदी के वायदा भाव में भी शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने लगी मिलने लगी है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर चांदी का वायदा भाव 199 रुपए नुकसान के साथ 67,906 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। चांदी बता दे आपको 67,890 के भाव पर खुली थी, जो थोड़ी देर बाद मामूली बढ़त के साथ ट्रेंडिंग करती दिख रही थी। हालांकि पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले इसमें गिरावट देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में भी सोना और चांदी के रेट में गिरावट दिख रही है। सोने का हाजिर भाव 0.15% नुकसान के साथ 1925.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी का हाजिर रेट 0.46% गिर के साथ ये 25.08 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट की वजह से आज भारतीय बाजार में भी सोने चांदी के रेट सस्ते हुए हैं। वहीं बाजार विश्लेषकों का कहना है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध समाप्त होने के बाद ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी से गिरावट आ सकती है। दुनिया भर में शेयर बाजार जैसे जैसे तेजी पकड़ेंगे, निवेशक भी सोने के बजाय स्टॉक में पैसे लगाएंगे और मांग घटने से इसकी कीमतों में गिरावट आ सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद रूस भी अपने सोने का भंडारण ग्लोबल मार्केट में बेच सकता है, जिससे कीमतों में और गिरावट आएगी। तो ये थी बात सोने चांदी की, कि आज सोने और चांदी दोनों के भाव में गिरावट देखने को मिली है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।